हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज आपको बताऊंगी कि सोने से कैसे आप अपनी लाइफ में वो चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिर्फ सोने से, मंत्र का जाप करके, क्लीम मंत्र का जाप करके अगर आप सोएंगे। और कैसे जाप करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, सारी चीज़ आपको बताऊँगी। सिर्फ सोने से, मंत्र जाप करके सोने से ही लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आ जाती है, कैसे हमारी विश को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं। ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो भी हम सोच के सोते हैं सोने से पहले, जो भी बातें हम सोच रहे होते हैं, यूनिवर्स वो चीज़ हमारी लाइफ में लेके आने लग जाता है। एनर्जीज अपना काम रात भर करती हैं, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिविटी को क्रिएट करके सोए हैं, अगर हम नेगेटिव सोच के सोए हैं कि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, ये वो, जॉब की टेंशन, घर की टेंशन, पैसों की टेंशन, तो नेगेटिविटी और ज़्यादा क्रिएट होती रहती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट की आपने सोने से पहले, और वो रात भर अपना काम करती हैं। रात भर आप, कई बार आपको ड्रीम्स भी फिर नेगेटिव आते हैं। आपने खुद ये फील किया होगा कि जब नेगेटिव सोच के सोओगे तो ड्रीम्स भी नेगेटिव आएंगे। इट मींस कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, पॉजिटिविटी के लिए जगह ही नहीं है, तो पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से। तो इसीलिए सोने से पहले कभी भी नेगेटिव सोच के नहीं सोना है, ये नियम बना लें। अगर लाइफ में खुश रहना है, हमेशा सोने से पहले आपने मंत्र सुनना है। कोई भी मंत्र सुनो जो भी आपको सुकून दे, आपको जिन भी देवता पे बिलीव है, जिन भी देवी देवता को आप मानते हो, उनका कोई भी मंत्र आप सुन लो। और पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे सोचना है, जो भी आप पाना चाहते हो, अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, आप प्यार चाहते हो, आप जॉब चाहते हो, अच्छा करियर चाहते हो, घर चाहते हो, कोई आपका ड्रीम हाउस है, जो भी पाना चाहते हो, उसके बारे में सोच के सोना है कि वो चीज़ मुझे मिल रही है, बहुत जल्दी मिलने वाली है या मिल रही है, ठीक है। ताकि आपको पूरा विश्वास होगा कि वो चीज़ आपको मिल रही है जो आप पाना चाहते हो, और वो मिलेगी ही मिलेगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हम अगर हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो हमारी लाइफ में सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ठीक है। हैप्पीनेस नहीं आती, क्योंकि हैप्पीनेस के लिए जगह ही नहीं है, पॉजिटिविटी के लिए जगह ही नहीं है, हम इतना नेगेटिव सोच लेते हैं। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं, साइंटिस्ट ने भी इस बात को माना है। मंत्रों की शक्तियाँ, मंत्रों की पावर, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आए, हमारी विशेस पूरी करें, जो भी हम पाना चाहते हैं या जो भी हम अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। तो मंत्रों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मंत्रों की पावर बहुत ज़रूरी है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सफलता की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अब आपने कैसे करना है, क्लीम मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, माइंड ब्लोइंग, सब चीज़ें अट्रैक्ट करके ले आता है लाइफ में, लेकिन इसका सही तरीके से जाप करेंगे, पॉजिटिव सोच के जाप करेंगे, ठीक है। रात को सोने से पहले ज़रूर करें, रात को सोने से पहले आप इसका जाप करके या इसको सुनकर सोएंगे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, आप इसकी ऑडियो भी सुन सकते हो, रात को सोने से पहले इसको सुनेंगे, ठीक है। सुनते टाइम पे अपनी विश को विजुलाइज करना ज़रूरी है, जो भी आप विश पूरी कराना चाहते हो, एक आप पेपर पे लिखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको हर बार बताती हूँ, लिखने से हमारे माइंड को ये बिलीव हो जाता है कि वो चीज़ मिल रही है, और ज़्यादा पावर मिलेगी, आपकी विश पूरी और जल्दी होगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है। तो आप लिखना भी स्टार्ट कर दो, मंत्र सुनते टाइम या मंत्र सुनने के बाद आप अपनी विश के बारे में लिखिए कि वो चीज़ मुझे मिल रही है, ठीक है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, वो चीज़ मुझे मिल रही है। या सिर्फ क्लीम भी लिख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मतलब मैग्नेटिक पावर होती है कि आपने लिखा और समझ लो मिल गया, कोई नहीं रोक पाएगा, तो आप उसको लिखिए। कैसे लिखना है, क्लीम लिख के फिर अपनी विश लिखनी है, क्लीम मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, या अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो तो क्लीम मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो रही हूँ, या आई एम गेटिंग रिच डे बाय डे, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पहले क्लीम लिखना है, फिर अपनी विश लिखनी है, फिर क्लीम लिखना है, फिर अपनी विश लिखनी है, ठीक है। उस चिट को आपने, जिस चिट पे आपने लिखा होगा, ठीक है, उस चिट को आपने अपने पिलो के नीचे रख के सो जाना है।
रात भर एनर्जीज अपना काम करेंगी। अगर बिलीव नहीं होता है तो करके देखिए, जिन लोगों के काम बन रहे हैं उनके कैसे बन रहे हैं काम, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं, तभी तो उनको लाइफ में हैप्पीनेस मिल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, सारी रुकावटें दूर हो रही हैं, जो भी इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे सब स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं, जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सोते टाइम आप अपनी विश को पूरी करवा सकते हैं। ठीक है, अब उस चिट को जिस पे आपने अपनी विश लिखी है, क्लीम मंत्र लिखा है, अपनी विश लिखी है, उस चिट को अपने पिलो के नीचे रख के सो जाना है। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। अब जो चीज़ आपने पॉजिटिविटी जो आपने क्रिएट की है वो रात भर अपना काम करेगी, आपको नेगेटिव ड्रीम्स भी नहीं आएंगे। आप ये करके देखो, थोड़े ही दिनों में अगर आपको ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा बैड आते हैं, आपको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, पूरा दिन ख़राब हो जाता है सोचते सोचते, वो चीज़ भी आपकी दूर हो जाएगी, नेगेटिव ड्रीम्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी क्रिएट करके सोए हो, आप क्लीम मंत्र का जाप, भगवान का नाम लेके सोए हो, तो भगवान नेगेटिविटी नहीं आने देंगे। रात भर एनर्जीज काम करेंगी, रात भर पॉजिटिविटी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, और जो काम मुश्किल लगता था आपको, मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत ईजिली बनने लग जाएगा। करके देखिए, आपको बिल्कुल बिलीव हो जाएगा कि कितनी माइंड ब्लोइंग तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, एनर्जीज कितनी जल्दी अपना काम करती है अगर हम सही तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही क्रिएटर हैं। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसके क्रिएटर भी हम ही हैं, और अगर हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी मेहनत से होते हैं, तो वो भी अपनी सक्सेस के वो खुद क्रिएटर होते हैं। तो इसीलिए अभी से ही, आज से ही ये टेक्निक फॉलो करें, रात को मंत्र जाप करें या सुने, सुनने से भी काम बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः के आप ऑडियो चला के सुन सकते हैं, और अपनी विश को चिट पे लिख लें, एक कागज़ पे अपनी विश को लिख लें, कितनी बार भी लिख सकते हैं, वैसे 108 बार तो बहुत अच्छा होगा अगर आप 108 बार लिखोगे। ठीक है, अगर कम में लिखोगे तो काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे मैं यही एडवाइस करूँगी कि 108 बार तो ज़रूर लिखो, और उस चिट को अपने पिलो के नीचे रखो और सो जाओ, बिल्कुल कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। ठीक है, और ये टेक्निक बिल्कुल सोने से जस्ट पहले आपने करनी है, ये नहीं कि 8 बजे या 9 बजे कर लिया उसके बाद टीवी देखने बैठ गए या इधर उधर फ़ोन पे बातें कर ली, नहीं, बिल्कुल जस्ट सोने से पहले ये टेक्निक आपने करनी है और फिर सो जाना है। ठीक है, ताकि एनर्जीज जो आपने एनर्जीज क्रिएट की है ताकि वो रात भर काम करती रहे। ठीक है, इसलिए किसी से बात नहीं करनी इधर उधर या फ़ोन पे या और कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप बातें करोगे या टीवी देखोगे तो फिर एनर्जीज वहाँ से भी क्रिएट होंगी, बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज हमें क्रिएट नहीं होने देनी, हमें ये टेक्निक फॉलो करते ही सो जाना है, और डेली करें ये जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। बहुत जल्दी विश पूरी हो जाएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं इस टेक्निक के। रात को जितनी जल्दी विशेज पूरी होती हैं जब हम मंत्र जाप करके सोते हैं, जितनी जल्दी काम करती हैं एनर्जीज, आप दिन में किसी भी टाइम कर लो, इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या तो रात को या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में भी एनर्जीज बहुत जल्दी काम करती हैं, ये दो टाइम्स बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं मंत्र जाप करने के और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस की तरफ, सक्सेस की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक है, ये दो टाइम को बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो भी आप पाना चाहते हो डेफिनेटली मिल जाएगा, और बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करिए, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करिए, नेगेटिविटी बिल्कुल छोड़ दीजिए, नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ अच्छा है लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।